पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जरूरी वस्तुओं की कीमत से सरकारी नियंत्रण हटने के बाद इनके दाम बेलगाम होकर तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार इसका हल निकाले। केजीएमयू में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए 300 लैपटॉप खरीदने का मामला गर्मा गया। लैपटॉप खरीदने के लिए न कोई टेंडर हुआ और न ही फाइनेंस कमेटी की स्वीकृति ली गई। चौक कोतवाली में धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो दोस्तों के कत्ल की वारदात में पुलिस की लापरवाही सामने आई, जहां जानकारी के मुताबिक नवाबगंज पुलिस से आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कानपुर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल यूपी के 10 जिलों से किसानों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मेरठ से धरा गया रोटियों पर थूक लगाने वाला नौशाद, जमकर हुई पिटाई। रोटियों पर थूक लगाने वाले युवक को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और एक महिला एडवोकेट ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस जैसे तैसे आरोपी को बचाकर थाने तक ले जा पहुंची।